हमारे सभी दर्शकों का लेट्स टॉक विद ममता सुराना शो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जीवन में प्रकृति का कितना बड़ा महत्व है। अगर प्रकृति ना हो तो मानव का जीवन ही व्यर्थ है। और प्रकृति के अपने नियम होते हैं, प्रकृति अपने नियमों के साथ बैलेंस बना करके चलती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मनुष्य अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान का कुछ ज्यादा ही दुरुपयोग कर लेता है और वो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है, उसे नुकसान पहुंचाता है। तो फिर प्रकृति भी अपना प्रकोप, अपना गुस्सा जाहिर करती है और उसके गुस्सा जाहिर करने के कई अलग अलग रूप होते हैं। कभी वो बाढ़ के रूप में गुस्सा दिखाती है, कभी सूखे के रूप में गुस्सा दिखाती है, कभी सुनामी आता है और कभी बड़ी बड़ी महामारी आ जाती है। और इस बार ये प्रकृति भी अपना जो गुस्सा है, अपना प्रकोप है, वो कोरोना नामक महामारी के रूप में हमारे सामने आई है। ये जो कोरोना महामारी है, ये जो बड़ा भयानक सा हमारे सामने एक सिचुएशन आ गई है, इसने बहुत से लोगों को बहुत प्रभावित किया है। कई लोगों को तो इसने बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, लेकिन कई सौभाग्यशाली लोग हैं जो इसके प्रकोप से बच गए हैं। लेकिन जिन लोगों को इसका प्रकोप की मार पड़ी है, क्या जो सौभाग्यशाली लोग हैं उनका ये कर्तव्य नहीं बनता ऐसे जो कम भाग्यशाली लोग हैं उनकी मदद करे, इस कठिन परिस्थितियों में उनकी सहायता करे, उनके जरूरत का ध्यान रखे? जी हाँ, इस बारे में बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसी दो शख्सियत है और उनका पूरा ग्रुप है जो इस कोरोना के मुसीबत टाइम में, जो इतना मुश्किल समय आया, उसमें उन लोगों ने दूसरे लोगों के जो इस कोरोना से इफेक्ट जिनको हुआ है उनके बारे में सोचा, उनकी सेवा की। और मानव के ही नहीं, उन्होंने पशुओं का भी उतना ही ध्यान रखा। तो ये लोग कौन है, आइए आज हम इन्हीं के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। ये हैं तखतगढ़ युवा मंच के अध्यक्ष श्री सुरेश जी पटवारी और डिलाई रोड एम जीवदया जैन ग्रुप के श्री श्रेणी जी श्रीपाल जी जैन। हम इन दोनों का परिचय आपसे कराएंगे, लेकिन इनके काम की चर्चा हम एक छोटी सी फिल्म दिखा करके आपसे करना चाहते हैं। आप देखिए, क्योंकि इनके जो कामों की चर्चा हुई ना सिर्फ बंबई में बल्कि पूरे भारत में अलग अलग न्यूज़पेपर में इनके कामों की चर्चा हुई, इनके सेवा भाव की, इनके जीव दया की चर्चा हुई। ना सिर्फ चर्चा हुई बल्कि बड़े बड़े संगठन ने इन्हें सम्मान पत्र से सम्मानित किया, बहुत से अनेकों अवार्ड इनको मिले इनके कार्यों के लिए। क्या लेकिन ये काम जो कर रहे थे सेवा का, अवार्ड के लिए कर रहे थे? जी नहीं, कोई भी सेवा का काम दिल से होता है, हृदय से होता है। और यही बात जानने के लिए आज हम इन दोनों युवाओं से आपसे बातचीत करवाएंगे। लेकिन उससे पहले आइए इनके काम की एक छोटी सी झलक हम एक फिल्म के द्वारा आपको दिखाते हैं, फिर इनसे आपका परिचय कराते हैं। डिलाई रोड जैन यंग जीव दया ग्रुप के अध्यक्ष श्री श्रेणी श्रीपाल जी जैन तथा तखतगढ़ युवा मंच के श्री सुरेश जी पटवारी, आप दोनों का मिला जुला प्रयास इस कोरोना के टाइम पर बहुत काम आया और आप दोनों की युवा टीम ने मानवीय व जीव दया सेवा के अंतर्गत ब्लाइंड बच्चों को और लगभग 3000 से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को रोजाना भोजन का वितरण किया आप लोगों ने, और साथ ही साथ जो जरूरतमंद परिवार
परिवार थे उन्हें करीब करीब 675 परिवारों को अनाज का किट आपने बांटा और आपके काम को बहुत ही सराहा गया और कई तरह से न्यूज़ के पेपर में भी ये छपा और लोगों को इस बात बारे में जानकारी हुई। कई लोग आपके साथ अपने अच्छे प्रसंगों में, जैसे किसी का अगर जन्मदिन होता या विवाह की वर्षगांठ होती तो वो भी आपके इस पावन कार्य में जुड़कर आपके सहयोगी बने और इस सेवा कार्य के लिए आपको कई बड़ी बड़ी संस्थाओं द्वारा सम्मान पत्र दे करके सम्मानित किया गया। यह कार्य आपका बहुत अनुमोदनीय था। तो आज हमारे सामने उपस्थित हैं दिलाई रोड एम जीवदया जैन ग्रुप के श्री श्रेणी जी श्रीपाल जी जैन। तो श्रेणी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है लेट्स टॉक विद ममता सुराना शो में। नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी हाँ जी, आपके कामों की तो बहुत चर्चा हो रही है पूरे बंबई भर में। कोरोना काल में आपने इतना बड़ा काम किया है कि जिस संगठन में जाओ, जिस संस्था में जाओ, वो बोलते हैं कि भाई श्रेणी जी का काम देखो। आप पूरे भाईखला एरिया से लेकर के जो भी पूरे बंबई भर में आप लोग फैल गए, पूरे कार्यकर्ता बना लिए और जगह जगह सेवा का कार्य किए। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूंगी कि ये आपके दिमाग में किस तरह से आया कि कोरोना के इस भयंकर समय में, जबकि सभी लोग बड़े मुश्किल में थे और बहुत सावधान थे, और आपने ऐसा काम का जिम्मा उठाया, बीड़ा उठाया, तो कैसे? मैडम की ऐसा है, हमने ये सोचा है कि हम लोग घर पे बैठेंगे, कुछ काम वाम तो हम लोग करते नहीं है, घर पे बैठ के आराम ही करना था। हमने सोचा कि हमको तो सब घर पे बैठ के गरम खाना गरम सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन उनकी पोजीशन है जिसको कुछ मिल नहीं रहा है उसके लिए हमको कुछ करना चाहिए। और हमने रात को सोचा कि भाई हमको ये चीज करनी है, तो हमने सवेरे से एक काम अपना चालू कर दिया है। हमारा काम 20 तारीख से चालू हो गया, जब आपका लॉकडाउन 23 तारीख से हुआ है। हमारा काम 20/3/2020 से चालू हुआ है, वहां से हमने अपना काम चालू किया है, निरंतर आज तक काम हमारा चालू है। बहुत अच्छा। तो लेकिन ये संगठन आपका पहले से बना हुआ था कि ये संगठन आपने कोरोना होने के बाद बनाया? आपके संगठन के बारे में कुछ बताइए। मेरा संगठन पहले से बना हुआ था, 2017 अगस्त 15 अगस्त से संगठन को अपने बनाया चालू किया था। धीरे धीरे हर संडे को हम कुछ न कुछ काम करते थे छोटा मोटा। कहीं हमने हर छोटे मोटे काम करते 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 हमने सोचा कि भाई कुछ अच्छा काम करे और मानव सेवा के लिए कि आगे क्या क्या करना चाहिए। उसी बीच में ये एक लॉकडाउन का हमको पीरियड मिला अच्छा कि हम काम करने का हमें पूरा टाइम हमको मिल सके ऐसा। तो आपके संगठन में कौन कौन लोग आपके साथ जुड़े? क्या आप पहले से ही बहुत सारे लोग एक साथ जुड़ गए थे कि थोड़े लोगों से चालू हुआ और जब आपका काम देखे कि अरे बाप रे श्रेणी जी इतना अच्छा काम कर रहे, इतने सेवा का काम कर रहे हैं, तो लोग अपने आप आके आपसे जुड़ते गए? मेरा संगठन में मैं और सूरज जी जुड़े हुए थे। सूरज जी तगतगढ़ युवा मंच चलाते है, उनके साथ में जुड़ा और धीरे धीरे मुझे लगा कि मुझे भी एक संगठन बनाना चाहिए अलग मेरे एरिया के लिए। तो मैंने अपना एक संगठन डिलाई रोड जीवदया ग्रुप में बनाया और तगतगढ़ युवा मंच और जीवा ग्रुप हम दोनों ज्वाइंट हुए और संगठन धीरे 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 हमारे काम को देखते हुए, लोग हमारे काम को देखते हुए हमारे साथ जुड़ते रहे। एक कड़ी से दो बड़े से आगे आगे जुड़ते रहे। हाँ जी, मैंने देखा कि आपके संगठन में विजय भाई जी कोठारी, हिम्मत लाल जी जैन बीसलपुर वाले, रितेश भाई जैन बेड़ा वाले, और हसमुख जी जैन लुणावा, और रमेश जी परवार जो शिवगंज के हैं, परमार जी, अरविंद जैन पादरली, तो ये सब तो जुड़े ही थे। तो बाद में ये जो ग्रुप है आपका, ये बड़ा होता गया और लोग जुड़ते गए, और कितने लोग अभी हैं आपके साथ में? देखिए कड़ी से कड़ी जुड़ते जुड़ते अभी आज की डेट में हमारे पास 22 लोग है जो हमें कुछ भी काम होगा तो हमारे काम के लिए हाजिर है। 22। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो ये सुरेश जी पटवारी जो कि तखतगढ़ युवा मंच के हैं, इनका संपर्क आपके साथ कैसे हुआ, इनका ग्रुप आपके साथ कैसे जुड़ा? ऐसा है, भक्ति मंडल लालबाग में है, वहाँ डेली हम लोग भक्ति शनिवार को करते हैं। उसी संपर्क में सुरेश जी से मैं आया हूँ। सुरेश जी ने मुझे बोला कि भैया ऐसा ऐसा हम काम करते हैं,
मेरी भी इच्छा जाहिर हुई थी कुछ अच्छा करना चाहिए, उसी शायद हमने दूसरी कड़ी जुड़ते 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 आज तक ही जुड़ी ग्रंथ कड़ी चली है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए कोई भी सेवा का कार्य होता है वो एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, हमें इसमें सबके सहयोग की जरूरत होती है। और ये नहीं कि सिर्फ आप काम करने वाले लोग होंगे और अगर आपके पास फंड नहीं होगा तो भी नहीं चलता है, तो आपको हर प्रकार के व्यक्तियों की जरूरत होती है, हर प्रकार के लोगों की सहयोग की आपको जरूरत होती है। तो जब आपने ये काम शुरू किया तो आपने कैसे शुरुआत की इस काम की, क्या चीज आपने पहले करना चालू करी और उसके बाद आप आगे बढ़ते गए? देखिए सबसे पहले हमने ना गायों की सेवा चालू की, कि भाई मुझे छोटे स्केल पे क्या करना चाहिए। हाँ जी। मैंने धीरे 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 गायों की सेवा चालू की। मैं जाता था छोटी छोटी रोटियां देकर गायों को देता था, सवेरे जल्दी उठ के फिर मैं गायों को देने के पक्षों को देता था, कबूतरों को, तो भी मैंने थोड़ा मेरे हिसाब से दे दिया और कौवा को दे दिया थोड़ा थोड़ा करके। तो मेरी इच्छा जाहिर हुई कि मुझे और कुछ अच्छा करना चाहिए, धीरे 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 अच्छा करना चाहिए। तो मैंने अपने संघ से बात की कि भाई कबूतरों के लिए अभी आपको ये संघ कम पड़ रहा है कोई भी, तो उसके लिए मैं कुछ ना कुछ अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए ये काम मैं करूंगा। उन्होंने मुझे परमिशन दिया और मैं अपना काम इसी तरह से चालू कर दिया। ओके ओके। तो जैसे शुरुआत आपने की तो शुरुआत में जैसे अपने ऐसा मैंने देखा आपका पेपर में, मैंने पढ़ा था कि रोटियों से आपने शुरू किया कि पहले आप रोटियां इकट्ठी करने लग गए, तो ये कैसे शुरू किया आपने और आपके दिमाग में ऐसे कैसे आया कि भाई चलो रोटियों से? ज्यादा करके मैंने देखा कि जो लोग सेवा का कार्य करते हैं वो अनाज वगैरह बांट देते हैं, सूखा अनाज बांट देते हैं या अपना एक पैकेट बनाते हैं और पैकेट बना बना के लोगों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन आपने तो ऐसी चीज की शुरुआत की जो थोड़ी मुश्किल काम था, रोटियां बनाना, रोटियां लोगों से लेना और एकदम खाने की वस्तु लोगों तक पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ी सोच थी। तो आपके दिमाग में रोटियों वाला आइडिया कैसे आया और कैसे आपने उसकी शुरुआत की, कहां से आपको इतनी रोटियां मिली और कितनी रोटियों से आपने शुरुआत की? इसकी शुरुआत हमने अपने घर से की कि पहले अपने घर से गायों को दो रोटी चार रोटी देनी चाहिए। मेरे विचार में आया कि मेरी बिल्डिंग के अंदर इतने लोग जैन समाज के है, गुजराती समाज के है, कोई भी है, उनसे मैंने चर्चा की कि मैं एक डब्बा रखता हूँ, अगर आपके घर से डेली दो रोटी तीन रोटी चार रोटी आ जावे वो जमा करके हम उनको लेकर गायों को देंगे। तो उन्हें अपनी मेरी मेरी जो प्लानिंग थी उन्हें समझी कि बोले बहुत बढ़िया काम है, उसको रोटी हमने डब्बे को रखी। एक मेरे एरिया से शिवाजी नगर से मैंने चालू किया कि भाई डब्बे के अंदर रोज की 100 रोटी 60 रोटी 100 रोटी आने लगी। 6 दिन 8 दिन के बाद 200 रोटी आने लगी। मेरे दिमाग में आया क्यों नहीं मैं अच्छे से बड़े बड़े बिल्डिंगों में जाके उसको डब्बे को नीचे रखूं और सबको रिक्वेस्ट करूं कि जितनी भी घर की रोटियां किसी की दो किसी की चार आप रखिए, हमारे प्रतिनिधि जो भी आएंगे वो ले जाएंगे और गायों को हमें शुद्ध खाना मिलेगा। बिना घी की रोटियां हैं, शुद्ध खाना मिलेगा। इसके लिए मैंने इसकी प्रार्थना की और हर बिल्डिंग में जाके डब्बे रखे और कहीं से 100 रोटी कहीं से 200 रोटी कहीं से 300 रोटी। उसके उपरांत गायों को रोटी ज्यादा लगती है उसकी हमने एक स्कीम रखी हुई है, बनाने वाले हमने रखे हुए है एक स्कीम के थ्रू उसको ऑर्डर दे देते कि भैया इस भादे की 2000 रोटी आई है कि 500 रोटी आई है कि 5000 रोटी आप बना के मुझे दे दीजिए, वो हमको बना के दे देते थे और वही हम गायों को पूरी तरह। हाँ जी, ये आपने बहुत अच्छा किया। कभी कभी क्या होता है किसी को शायद रोटियां बनाने की सुविधा ना जम पाए या कभी कभी काम करने वाले घर में इतने लोग नहीं होते हैं, तो ये आपने जो नकारा निकाला कि भाई एक रोटी के हिसाब से या 100 रोटी के हिसाब से भी आप अपना पैसे से भी मदद कर सकते हैं और आप महाराज बनाकर बैठा करके भी रोटियां बनवा करके बांट सकते हैं। तो ये रोटियां आपने क्या कोई पेशेंट लोगों के लिए शुरुआत की या अपने साधर्मिक भाई बहनों के लिए या अपने पशु लोगों के लिए, कैसे आपने सोचा कि किसको सबसे ज्यादा जरूरत है? देखिए आज के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरत है पशुओं की। हाँ। वहां पे उनको खाने को नहीं मिलता है, गायों को जो मिलता है मैं तो व्यवस्थित नहीं मिलता है और जो गायों को पालते हैं वो क्या करते हैं उनको खाना कम देते हैं। अगर हमने 20 रोटी दी तो 10 रोटी वो देते हैं और 10 रोटी घर रख देते हैं। अच्छा। हाँ, तो गायों को रोटी मिलती नहीं है, वो कभी प्लास्टिक खाते हैं, जो जो आता है उसको डाल देते हैं, चलते चलते आदमी कुछ भी डाल देते हैं। हमने सोचा गायों को रोटी देने, आप कभी भी देखिए गाय को रोटी दीजिए तो पहले रोटी खाती है उसके बाद दूसरी चीजें खाती है। बराबर। तो हमने सबसे रिक्वेस्ट की जैन समाज लोगों बिल्डिंगों से कि भाई आप हमें डब्बा रखते हैं
उस डब्बे में आपकी जितनी भी रोटी आप 2-4 एक एक घर से वैसा करके आप जमा करके दीजिए, हम अपनी रोटियों को गाय तक पहुंचाएंगे, वो मेरा काम। बहुत अच्छा। इस बारे में एक छोटी सी फिल्म आपकी आई हुई है, आइए वो भी दिखाते हैं कि किस तरह से आप गौ सेवा कर रहे हैं, गायों को रोटी खिला रहे हैं और किस तरह से आपने रोटियां जमा की है। तो बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत दिल को छू लेती है, आइए वो देखते हैं, फिर इसी बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। डिलाई रोड जैन जीवदया ग्रुप तथा तखतगढ़ युवा मंच ने न सिर्फ मानव की सेवा की बल्कि पशु पक्षियों को, गायों को भी आपने ही उतने ही जतन से देखभाल की। उनको चारा खिलाना, उनको रोटियां देना, कुत्तों को रोटियां देना, ये सब भी शामिल था। तो ये बताइए कि आपने देखे गायों को रोटियां तो बहुत सी दे रहे हैं, आप बहुत खिला भी रहे हैं, पर कभी ऐसा नहीं हुआ, एक तो पहले ये बताइए कि इतनी गायें आपने जमा कहाँ से की, कहाँ से आपने ढूंढा, क्योंकि बंबई में तो इतनी गायें ऐसे रोड पे इतनी दिखती नहीं है, तो आपको पता कहाँ से चला कि भाई इतनी गाय यहाँ है, इनको रोटियों की जरूरत है? तो गायों को ढूंढना भी एक बहुत बड़ा मुश्किल का काम है। इसके लिए मैडम मैंने क्या कि बीएमसी के जो कार्यकर्ता रहते हैं ना, बीएमसी के जो कार्यकर्ता रहते हैं बीएमसी के, उनको मैंने जाके संपर्क किया कि भैया अभी कहाँ कहाँ गायब है और कहाँ कहाँ आप गायों से माल, उनसे मुझे एक लिस्ट मिली कि भाई मेरे इधर भोईवाड़ा में इतनी गायों है, कॉटनगरी में इतनी गायों है, यहाँ पे इतनी गायों है, मैंने एक लिस्ट बनाई और हॉस्पिटल में इतनी गायों है, चेंबूर में इतनी गायों है, कि मुलुंड में इतनी गाय, एक लिस्ट बनाने के बाद मैं इस काम को भी चेंबूर तक ले जाता हूँ, चेंबूर, भोईवाड़ा, कॉटनगरी, ये सब जगह, किधर 40 गायों है, किधर 20 गायों है, ऐसा मिल मिल के 350 गायों का है। 350 गायों के लिए डेली डेली रोटी लगती है, कि मेरे पास अभी रोटियां कम आ रही है, 400-500 आ रही है, कोशिश कर रहे हैं कि रोज की 2000 रोटियां अपने पास आवे और उसी तरह गायों को उसको बंटवारा करें। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इन गायों के लिए भी कंट्रोल की जरूरत होती है, तो क्या आप ऐसा कोई आदमी वगैरह रखते हैं कि भाई गायों की भी देखभाल कर ले, या जब आप रोटी खिला रहे हैं तो वो गंदा करना दे, कि गोबर कर रही है तो उनको सफाई करना, क्योंकि अगर आप ये काम करते हैं तो साथ ही साथ आपको बहुत सारी व्यवस्था का भी ध्यान रखना पड़ता है, वरना लोग ऑब्जेक्शन लेंगे। और यहाँ तो बंबई में ऐसा कोई बड़ा मैदान हो कि भाई चलो वहां सारी गायों को इकट्ठा कर दो और खिला दो, ऐसा भी नहीं होता है। तो आप ये व्यवस्था, जो रोटी तक ठीक है, लेकिन रोटी के बाद की व्यवस्था के लिए आपने कुछ उपाय कर किया? हाँ, उसके लिए क्या मैडम, जहाँ पे गायों रहती है ना, वहाँ पे जो लोग वहाँ के उनकी सहायता करने के लिए रहते हैं, उनको हम बोलते हैं कि गायों को कोई तकलीफ नहीं रहनी चाहिए, वहाँ की सफाई, वहाँ की गंदगी नहीं रहनी चाहिए, उनको भी हम कुछ ना कुछ अपने फंड में से देते हैं, उनकी व्यवस्था हो जाती है तो भी खुश होकर गायों को सेटअप भी करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है, वरना क्या होगा कि सेवा का कार्य कोई ज्यादा लोग नहीं देखते हैं, उसके पीछे की भावना भी नहीं देखते हैं, लेकिन जो लोगों को ऑब्जेक्शन लेना होता है उनको एक छोटा सा कारण चाहिए होता है, और फिर वो उस बात को बहुत ऐतराज करते हैं कि आप सेवा करना है तो करिए, अपने घर के अंदर करिए। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बिल्लियों को आप, मैंने देखा कि बहुत सुंदर सुंदर आपने बिल्लियों को कहीं दूध पिला रहे हैं, आप कबूतरों को दाना दे रहे हैं और आप कुत्तों को भी रोटी खिला रहे हैं, तो हर प्रकार के पशुओं की सेवा आप पूरे मन तन मन धन से पूरा आपका ग्रुप कर रहा है। तो इसके बाद हमें इनके सफाई की व्यवस्था, रोड पे गंदगी ना हो, रोड पे कुत्ते ना चलते रहें, तो ये सब की व्यवस्था करना भी बहुत जरूरी होता है। तो ये भी आपके सामने एक बड़ा चैलेंज आया होगा, कभी किसी ने ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट किया? नहीं, काफी जनों ने किया था, किसी को तकलीफ है कुत्ते को रोटी खिलाने से, कभी किसी को बिल्ली से दूध पिलाने से, कि इनका रोड खराब हो जाता है, लेकिन वहां मुझे लगा कि खराब हो रहा, तो मैं या मेरे प्रतिनिधि जो मेरे साथ आते हैं वो सफाई करते हैं, और उनके एरिया से जो प्रमुख आदमी रहता है उनको मैं रख देता हूँ कि भैया बिल्ली कुत्ते के लिए कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं आपका ध्यान रखूंगा, आप इनका ध्यान रखें, ऐसी व्यवस्था आज भी है, आप कभी भी हमारे साथ चलिए तो आपको इसकी व्यवस्था पूरी मिलेगी। कभी कुत्ते को, कभी बिल्ली को जम देते हैं, वहां सफाई पहले पूरी रखते हैं, उसके बाद ही उनको देते हैं। बहुत सही, बहुत अच्छा, ये चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तभी हमारा सेवा कार्य सबको पसंद आ सकता है। और कभी ऐसा भी हुआ कि आपने जैसे जानवरों के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान रखा, कभी उनको
इंजरी हो जाती है, कब पतंग उड़ाते समय भी कई कबूतर उनका कट जाता है, पंख कट जाता है, बिल्लियां भी इंजर्ड जाती है, तो उस समय भी आपने कभी कुछ हॉस्पिटल की मदद जानवरों के लिए की? उनके लिए मैं स्पेशली मेरे डॉक्टर रखे हुए हैं। अच्छा। कभी भी कबूतर की प्रॉब्लम, हाँ कबूतर की प्रॉब्लम होती है, उनका फोन आता है उस एरिया से कि भाई मेरे कबूतर कबूतर के लिए है या बिल्ली के लिए, तो मैं डॉक्टर को फोन करके उधर पहुंचवा देता हूँ, तो उनकी क्या है व्यवस्था हो सकती है। और कबूतर को हो सकता है 99% मैं खुद ले जाता हूँ अपने बाइक पे और हॉस्पिटल छोड़ आता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। मैं सोचती जो इंसान पशुओं के लिए, मुख पशु पक्षियों के लिए इतना दया का भाव रखता है, तो वो तो मानव के लिए, इंसान के लिए क्या नहीं करता होगा। तो आपने मानव सेवा के लिए, जैसे कि अभी हमने जीव दया देखी, लेकिन एक जो हमारे साधर्मिक भाई बहन होते हैं, हमारे कैंसर से पीड़ित लोग होते हैं जो काफी तकलीफ में होते हैं, तो उन लोगों के लिए भी आपने क्या क्या किया, कैसे आपने शुरुआत की, अब इस बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं, बताइए। देखिए यार, मैं वो कैंसर पीट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पहले से मैं बच्चे बचपन में देखता था जी। कैंसर वालों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उनको कोई भी चीज सही नहीं मिलती है। हाँ जी, ना उनका ट्रीटमेंट सही रहता है, ना उनका खाना सही रहता है, ना उनका कुछ रहता है। मैंने सोचा क्यों ना इनके लिए कुछ करे, तो हमने कैंसर पीट के लिए स्टार्ट से खाना एक चालू किया, उसके अंदर हमने चावल दाल, उसके बाद रोटी और एक सब्जी करके पैकिंग बनाई, जो भी कैंसर पीट है उनको तक हमने पहुंचाना 50-50 से चालू किया कि हर संडे को 100 पीस, 150 पीस, 100 पीस, 100 पीस, ऐसा करते करते हमने चालू। फिर उसकी भी एक हमने एक लिस्ट निकाली कि कितने कैंसर पीट इस मुंबई के हमारे एरिया में है। आज की डेट में अगर आप गिनोगे ना, जो बाहर से आते हैं तो उनको इतनी तकलीफ है, न रहने को है न उनको खाने को है। कब लोग क्या करते हैं, टाटा में जाके दे देते हैं। टाटा के आजू बाजू की जो व्यवस्था है लंबी, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, वहाँ काफी प्रॉब्लम है, वहाँ हम लोग पहुंचते हैं, उनको खाना देते हैं। उनको और कोई प्रॉब्लम है फंड से, कपड़े से, वो भी व्यवस्था हम जरूर करवाते हैं। ओके ओके, तो ये तो हुआ समझो आपने पेशेंट के लिए किया, लेकिन मैंने पढ़ा कि आपने गांव गांव जा करके, जैसे एक दो गांव का तो आपने उल्लेख भी किया हुआ है, कुछ वाली गांव और कौन से दो तीन गांव आपने किए हुए हैं, तो शेलू गांव, वानगी गांव, तो ऐसे कुछ छोटे छोटे गांव होते हैं। हाँ जी, वहां तक भी आप सब सामान लेकर जाते हैं, कपड़े लेकर के जाते हैं और वहां डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? वहाँ पे कैसा है मैडम, सेलू गांव में है ना 350-400 ब्लाइंड वाले वहाँ वही रहते हैं, उनके घर वही है। उनके घरों में कैसा है, इसी घर में 4 ब्लाइंड है तो 2 देखने वाले हैं, 8 ब्लाइंड है तो 1 देखने वाले। मैंने सोचा क्यों नहीं उनके लिए भी कुछ करे, क्योंकि देखो ब्लाइंड वाले घुमाते हैं कि हमको कुछ दो हमको दो। मेरी कोशिश है कि उनके घर पे जाके देने के बाद वो बाहर घूमेंगे नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम आएगी, इसके लिए व्यवस्था भी हमने उनको की। घर घर जाके हम दे रहे हैं और उसके बाद भी एक लिस्ट बनी हुई है हमारे पास। ओके, तो इसी के साथ साथ आपने ब्लाइंड बच्चों के लिए भी बहुत कुछ किया, तो ब्लाइंड बच्चों के लिए भी खाने की व्यवस्था की आपने, पैकेट बांटे या उनको कोई और तरह से आपने मदद की? अभी तक और तरह से मदद थोड़ी हमने चालू की है, अभी जैसे कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उनकी प्रोडक्ट की बेचने की जवाब मैंने ली है, जो भी प्रोडक्ट उनका बिकेगा उनके ऊपर 1 रुपया हम नफा नहीं लेंगे, हमारे घर से अगर थोड़ा बहुत जाएंगे वो भी देंगे कि वो किसी से मांगे नहीं, खुद अपने पैर पे खड़े होते पे खड़े और अपना हो काम करें। हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत अच्छी ऐसी पूरी मेरी व्यवस्था हो गई। हाँ जी, हाँ जी, क्या होता है कि हम अगर कोई को स्पून फीड करते हैं, चम्मच से खाना खिलाते जाते खिलाते जाते खिलाते जाते, तो वो हाथ पर चलाना भूल जाता है, लेकिन अगर हम उसको खुद चम्मच उठाना सिखाते हैं, खुद के हाथ से खाना सिखाते हैं, तो ये उसको जिंदगी भर के लिए सहायता होती है। तो किसी को आत्मनिर्भर बना करके सहायता करना, ये बहुत अच्छी सोच है आपकी, और आप इस दिशा में काम कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। और मैं ये भी पूछना चाह रही थी कि आपने अनाज के पैकेट वगैरह भी बांटे, जिसमें बहुत सारी चीजें आपने रखी, सूखी चीजें, तो वो क्या था, वो कितने में पड़ता है, अगर कोई ऐसा चाहे आपके साथ में जुड़ना तो वो किस तरह से आपकी मदद कर सकता है, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? देखिए उसके अंदर मैडम 8 से 9 चीजें हम रखते हैं, काफी चीजें उसमें ऐसे रखते हैं कि उनके घर में डेली के डेली उपयोग में आवे। देखिए चावल और गेहूं वो सब देते हैं,
जो हम चीज देते हैं वो चीज हर आदमी नहीं देता है। हाँ जी, तो हमने उस पैकेज की कीमत बहुत कम रखी हुई है, कुछ हाँ, हम 501 रुपया कीमत रखी हुई है। एक अच्छा, घर के अंदर एक पैकेज हम देते हैं, ओके, उसके अंदर दाल रहता है, उसके अंदर रवा रहता है, उसके अंदर मैदा रहता है, सब अलग अलग चीज, गुड़ रहती है उसके अंदर, चाय पत्ती रहती है, सब चीजें ऐसे बना के हमने एक पैकेज बना के उनके घर पे पहुंचने की व्यवस्था पूरी की हुई है। बहुत। इस बारे में एक छोटी सी फिल्म है मेरे पास कि किस तरह से अनाज वितरण आप लोग और आपके सारे कार्यकर्ता मिलके कर रहे हैं। आइए एक उस छोटी सी फिल्म को देखते हैं और उसके बाद हम बातचीत का सिलसिला फिर शुरू करते हैं। दोनों ग्रुप द्वारा इस कठिन परिस्थिति के समय 20 मार्च से लेकर करीब 15 मई तक रोजाना 3,000 लोगों को सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का खाना भी वितरित किया गया। जो हमारे सूरदास भाई बहन थे, मजदूर व बंधु थे, उन्हें आपने गैस का सिलेंडर, गैस का चूल्हा दे करके भी उन्हें भोजन बनाने की व्यवस्था में सहयोग किया। अनाज के कई किट आपने बांटे। जैसे आपने मानव सेवा की, लेकिन कभी ऐसा भी हुआ कि जैसे बम्बई में क्या होता है कि बाहर से लोग बहुत आते हैं, उनको रहने खाने पे, समझ लीजिए अपने कारीगर लोग ही है, वर्कर लोग हैं, तो इनके बारे में कौन सोचता है? और इनके लिए आपने अभी कोरोना के टाइम में, स्पेशली मैं कोरोना की बात कर रही हूँ, तो उस समय आपने कोई ऐसा व्यवस्था की या ऐसा आपने सोचा इनके लिए भी? हाँ मैडम, उस टाइम हमने बिल्कुल सोचा, हमने मुंबई छोड़ के चले जाएंगे। हाँ, इसके लिए मैंने बड़ी एक सोच ली, हमने उस सोच को धारावी से चालू किया। हाँ, सब लोग हाँ, बोल रहे थे कि धारावी में कोरोना बहुत फैल गया, कोरोना में फैल गया। हमने हाँ, कहा धारावी के लिए एक लिस्ट बनाई हाँ, कारीगर की, 7,500 8,000 लिस्ट हमारे पास आई हुई थी। उसमें एक एक आदमी के घर में 7 आदमी, 6 आदमी, 5 आदमी रहते हैं। हाँ, हमने खुद धारावी में जाके उन हाँ, किट को वितरण किया गया उसी टाइम, कोरोना के टाइम। अच्छा, सबको ये लगता था कि धारावी में बहुत बड़ा कोरोना हो जाएगा, बहुत हो हाँ जाएगा, घर वाले हाँ भी हमको प्रॉब्लम, लेकिन उसी टाइम हमने हाँ 750-800 हाँ घरों को किट बांटी है उसी टाइम। हमने अच्छा, सोचा क्यों नहीं उनको किट दी जाए, उनको पैसा देने से फायदा नहीं, कि भाई लॉकडाउन है वो बाहर जाएंगे नहीं, तो उनको हाँ, सामान दी जाए खाने के लिए कि वो अपने आप करेक्ट, भी व्यवस्था कर सके। कर ऐसी सकते, व्यवस्था भी हमारे तरफ से हुई हुई है। बहुत अच्छा। लेकिन कभी वाकई में ये बात सोचने वाली है कि आपके घर वाले तो खैर अलाउ किए, तो मैं उनको भी बहुत बहादुर मानती हूँ, लेकिन कभी आपके मन में ऐसा डर नहीं लगा? क्योंकि समझिए करीब करीब 3 महीने से ज्यादा का समय आपने ऐसे लोगों की सेवा करते हुए निकाला जो कि कोरोना का गढ़ भी कह सकते हैं आप, धारावी है या जो छोटी झोपड़पट्टियां हैं, या क्योंकि वहां इतनी सफाई का ध्यान नहीं रहता है, या कभी कभी इतने उन लोग सुरक्षा मास्क पहनना ऐसा सब नहीं करते हैं, तो आपको ऐसी घबराहट नहीं हुई, डर नहीं लगा? क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि अगर एक बार हो गई तो इंसान चाहे बड़ा हो, छोटा हो, ऊंचा हो, नीचा हो, पैसे वाला हो, गरीब हो, ये किसी को नहीं छोड़ रही थी, तो आपको डर नहीं लगा? देखिए डर तो सबको लगता है, मुझे हाँ डर जी, नहीं लगा। इसका कारण बताता हूँ कि मेरे हाँ दिमाग में एक ही चीज आ गई है कि मुझे हाँ जीना है, उस एकदम परफेक्ट जीना है। ऐसा जीने से भी क्या फायदा जो घर में बैठ के आराम करे, मौत तो कहीं भी आएगी, मेरे को वहां भी आएगी कि यहाँ भी आएगी, ऐसा मेरे दिमाग में बैठ गया कि मुझे हाँ काम करना है, जो होगा आप फिर देखा जाएगा। अरे ऐसा हौसला बहुत कम लोगों में होता है, इतनी हिम्मत भी बहुत कम लोगों में होती है, तो एक मायने में माना जाएगा कि आप और आपका पूरा संगठन बहुत हिम्मती है और बहुत बहुत अनुमोदना आप लोगों के काम की। और मैं तो सभी लोगों से कहूंगी कि जो लोग भी चाहे प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से अगर आप किसी भी तरह से सेवा के कार्य में जुड़ना चाहते हैं तो आप जरूर जरूर से श्रेणी भाई साहब से संपर्क करिए। हम बार बार बीच बीच में आपको इनके फोन नंबर दिखाएंगे, इनके द्वारा सेवा कार्य किए हुए जो बैनर इन्होंने लगाया है जगह जगह पे या व्हाट्सएप के जरिए आप लोगों तक भेजा है वो भी हम बीच बीच में डाल रहे हैं। तो जिसकी भी इच्छा हो कि हम इस तरह के महान कार्य में, मैं इसको एक बहुत बड़ा महान कार्य करूंगी कहूंगी, क्योंकि ऐसा समय जिसमें आधे लोग तकलीफ में हैं और आधे लोग थोड़ी सही स्थिति में हैं, उस समय तकलीफ वालों की तकलीफ को महसूस करना ये बहुत बड़ा मानवता का काम है, सहृदयता का काम है, और आप और आपके ग्रुप ने बहुत ही अच्छा ये काम किया। अब ये बताइए कि कभी ऐसा कोई तकलीफ वाला क्षण आपको आया, बहुत मतलब मुसीबत हुई कि अब पता नहीं हम लोग कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे,
ऐसी कोई घटना हुई आप लोगों के साथ इस सेवा के दौरान में? ऐसी दो बार ऐसी घटना हुई। अच्छा। एक बार तो अभी बहुत बहुत लोग आए कि भाई आप लोग ऐसे बांट रहे हैं, हाँ, हमारे आप हमारे बाजू में रहोगे तो हमको भी कोरोना हो जाएंगे। बिल्कुल, हाँ, कुछ लोग हमारे कम से कम एक बार तो 350-400 लोग मेरे पास आ गए। अच्छा। भैया आप लोग कोरोना में घूम रहे हो, हाँ, तो आपको मंदिर आने नहीं देंगे, हम ये करने नहीं देंगे। हाँ, मैंने उनको एक ही सवाल पूछा कि हाँ, भैया जो आदमी भूखे है, हाँ, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग को भी जाना चाहिए? घर में हाँ, बैठ के कोरोना आवे कि मौत तो कहीं भी आएगी, तो मौत तो क्यों सोचते हो आप कि भैया घर पे बैठ के मौत नहीं आ सकती है? उनको कुछ समझा समझा के हमने, बहुत परिस्थिति उसमें खराब थी, सोच रहा था कि आगे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। थोड़े टाइम के लिए तो मैं सोचा कि नहीं करना चाहिए, फिर मेरा हिम्मत हो गया नहीं भाई करना ही चाहिए, जो होगा हाँ, देखा जाएगा। उनको बोला सर मैं कल से जाऊंगा, आप लोग की इच्छा को आप भी आइए, लेकिन मेरे काम में इंटरव्यू इस काम मत करिए, मुझे सहयोग दीजिए इस काम में, मैं और आगे क्या कर सकता। अरे वाह। और कभी ऐसा कोई एकदम खुशी का क्षण आया हो कि आपको लगा कि भाई आज मैंने ये काम किया, मेरा जीवन सार्थक हो गया, सही मायने में मैं आज जिया हूँ, ऐसा कोई आपको कभी लगा, ऐसा महसूस हुआ? जब उन जब किसी गाय को या किसी पक्षु को या किसी अपन खिलाते हैं हाँ मनों जी, को, तब उनके उनके चेहरे पे जो खुशी रहती है वो हाँ, देख के अपने आप में खुश हो जाता है अपना शरीर कि भाई कितना मजा आया उनको देख के। देख एक एक प्रॉपर आदमी को आप देखिए, कैंसर पीट हो या किसी को भी, उसको देखकर आप जितना मतलब उनको जितनी खुशी मिलती ना, ज्यादा खुशी हमारे चेहरे पे दिखती है। बहुत सही कह रहे हैं, बहुत अच्छा। जिस समय इंसान देने देने वाला हो जाता है उस समय उसके चेहरे की खुशी, क्योंकि दूसरों का सहयोग करके जो हमें खुशी मिलती है वो सही में सच्ची खुशी होती है। आप कितना ही दुनिया में नाच लीजिए कूद लीजिए, वो सब खुशियां नहीं होती, ये झूठा आडंबर होता है। लेकिन मानव की सेवा, पशु सेवा करके जो आप खुशियों का क्षण हासिल कर रहे हैं वो बहुत ही बिरला होता है। तो ये सब चीजों के करने के पीछे कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारे गुरुदेव की प्रेरणा होती है, हमारे माता पिता का आशीर्वाद होता है, उनकी प्रेरणा होती है। तो आप किसको मानते हैं कि ये सब संस्कार जो आप में आए वो किस वजह से आए, कहाँ से आपके जीवन में ये बीज डल गया? इस बीज का कारण है हमारे माँ बाप, मेरे माता जी और मेरे पिताजी तो है ही। हाँ, मेरी माता जी बहुत सेवा दुनिया की करती थी। अच्छा। कभी भी घर में आने, घर में कोई भी आ जावे बिना चाय पिए बिना कुछ किए, या घर पक्षियों को भी कभी डालते थे, मुझे ले जाते थे साथ में। हाँ, उस टाइम मैं छोटा था। अच्छा। धीरे 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 मैं अपने काम में इतना उलझ गया तो मुझे इससे मालूम नहीं गिरा। हाँ, 2017-2015 से मैंने थोड़ा ये काम चालू किया हूँ और हाँ, अभी पूरी तरह से मैं इसमें जुड़ा हूँ। आज की डेट में मैं 80% इस काम में जुड़ा हूँ और 20% मैं अपने बिजनेस के काम में जुड़ा। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि आपका बिजनेस या आपका काम इससे थोड़ा प्रभावित होता है कि आप उसको समय नहीं दे पा रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। मैं समय बिजनेस को पूरा समय देते हुए फिर काम करता हूँ। मेरा थोड़ा मार्केटिंग का काम है। हाँ, और अभी आपको कोरोना को देखते हुए मार्केटिंग थोड़ा ठंडा भी था। हाँ, तो हमको मौका भी ज्यादा मिल गया काम करने का। और आपके पीछे आपके बच्चे, आपके घर के लोग, वो कितना सपोर्ट करते हैं? क्या वो भी इसी तरह से सेवाभावी है? 100% पूरा सपोर्ट करते हैं। हाँ, मेरे घर वाले पूरे सपोर्ट करते हैं। मेरे बेटा है पहला नंबर का, वो भी पूरा सपोर्ट करता है। कभी कुछ भी काम हो, उधर कबूतर को लेकर जाना है, गायों को देना, मैं नहीं रहूंगा तो खुद देकर आता है। अरे वाह, बहुत अच्छा। तो यही देखे, संस्कार जो होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी परंपराओं से हमको मिलती है। जब आपने अपने माँ बाप को देखा, अपने माता पिता को देखा, आप में संस्कार आए, आपको देखकर आपके बच्चों में संस्कार आए। और आपकी वाइफ का कितना सहयोग रहता है, भाभी जी का कितना सहयोग रहता है आपको? उनका पूरा सहयोग रहता है, उनका इंटरफेयर कभी रहता ही नहीं है। और रहता अच्छा। भी तो उनको ना बोलता कि इस काम में कोई इंटरफेयर नहीं करे, 99% सहयोग पूरा ही देता है। बराबर है, क्योंकि हम अपने मन से पूछते हैं, अपने दिल से पूछते हैं कि क्या मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं। और अगर आपके दिल से आवाज आ जाती है कि नहीं आगे बढ़, जो तुम कर रहे हो वो सही कर रहे हो, तो फिर इंसान पीछे मुड़ करके देखता नहीं है और रुकता नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी भावना आप में है। एक मैंने सुना था कि आपने जो हमारे सूरदास बच्चे हैं, जो ब्लाइंड बच्चे हैं, उनके हाथ की बनी हुई चीजों का भी आप प्रमोट कर रहे हैं ताकि वो भी आत्मनिर्भर हो सके, तो वो किस तरह से आप काम कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। हम जो भी उनके साथ उनको मिले
मिलके हमने देखा कि इनकी स्थिति को देखते हुए ये हरदम मांगते हैं। हाँ, उनको मेरी मेरी कोशिश है कि मांगे नहीं, ये अपना नहीं। काम करे और हाँ उनका जो प्रोडक्ट है मैं जितना बेच सकता हूँ बेचूंगा, नो प्रॉफिट नो लॉस में बेच रहा हूँ। और आज भी उनकी जो भी वस्तु है मेरा ऑफिस में लाकर रखी है, हर आदमी को मैं प्रोडक्ट करता हूँ उसको ले जाइए। और जितनी भी मेरी कोशिश रहेगी 2 जन 4 जन 6 जन 10 जन वो अपने आत्मनिर्भर बन के अपना काम करे और कहीं मांगे नहीं। उनके पीछे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो जो रहते हैं जब ट्रेन में जाते हैं माल बेचने जाते हैं कुछ भी जाते, उनके बेटे भी उनको छोड़ने जाते हैं फिर लेने जाते हैं, वो भी उनका टाइम वेस्ट होता है उनके बेटों का। तो उनके माँ बाप अगर एक जगह काम करके बैठ के काम करे नहीं मांगे किधर भी, मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि आने वाले समय में कुछ चेंजिंग इसमें आए। आ जाए, बहुत अच्छा, ये सही में है, इनको अपने पैर पे खड़ा हो। हो सकता है कि इनके मन में भी हिचक होती होगी मांगने के लिए, इनको भी थोड़ा सा ऑड लगता होगा, पर ये भी सोचते होंगे कि हम क्या करें, हम तो खुद पर बस है। तो जब तक हम इनमें आत्म स्वाभिमान की भावना या इनको आत्मनिर्भर ना करें, और कोई ना कोई जब तक आगे नहीं आएगा तो कौन उसके पीछे जुड़ करके और आपका साथ देगा। तो आप ये जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, जो आप आगे बढ़ रहे हैं हिम्मत के साथ में, तो साथ के लोग पीछे के लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो मैं सभी लोगों से अपील करूंगी कि कृपया जिस तरह से भी हो सके आप श्रेणिक भाई साहब के और तखतगढ़ मंच के साथ में जुड़िए, आप उनके कार्यों को देखिए। हो सकता है कि आपको फिजिकली सपोर्ट ना कर पाए क्योंकि आप बहुत बिजी रहते हैं, या आपके पास समय की कमी है, या आपकी पसंद अलग टाइप की है, तो आप इनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि यदि किसी की मदद करना है दुनिया में तो हमें हर तरह के लोगों की जरूरत होती है, हमें भामाशाह जैसे लोगों की भी जरूरत होती है, और हमें ग्राउंड लेवल पे काम करने वालों की भी जरूरत होती है। तो अगर आप धन धान्य से भगवान की दया से आप बहुत परिपूर्ण हैं, तो कृपया आप किसी तरह से भी आप अपनी मदद को भाई साहब तक, श्रेणी भाई साहब तक, तखतगढ़ ग्रुप को भी, या जो आपके जीव दया ग्रुप है इनका, उस तक भी आप पहुंचा सकते हैं। तो एक छोटी सी फिल्म है भाई साहब आपके लिए जो भेजी है मेरे को, कि ये जो हमारे अंध बच्चे हैं, जो ब्लाइंड बच्चे हैं, उनके हाथ के बने हुए जो कारीगरी है वो हम लोगों तक दिखाना चाहते हैं, उसके बारे में बताना चाहते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक मैसेज पहुंचे और उनकी चीजें लोगों तक खपे और हम किसी तरह से हमारे बच्चों की मदद कर सके। तो आइए वो एक फिल्म भी देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर आपसे बातचीत कर लेते हैं। आपने देखा कि कितने सुंदर दिए हमारे बच्चों ने बनाए हैं, जो ब्लाइंड बच्चे, आप विश्वास नहीं करोगे इतनी सुंदर ये पेंटिंग्स बनाते हैं। और आजकल तो मोबाइल फोन भी बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, आपको पता है जो हम व्हाट्सएप भेजते हैं वो व्हाट्सएप भी ये हमारे जो सूरदास बच्चे हैं बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि मोबाइल फोन में भी एक ऐसा एप्लीकेशन आ गया है जो हमारे इन बच्चों के यूजफुल होता है। तो इस बारे में भी हम थोड़ा सा सोचें कि हम किस तरह से इन सूरदास बच्चों की मदद कर सकते हैं, और हमें करने की पूरी कोशिश करना चाहिए। एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछूंगी श्रेणी भाई साहब, कि अगर कोई युवा या कोई और भी दूसरा व्यक्ति अगर आपकी तरह सेवा भावी बनना चाहता है, आपकी तरह अच्छे कार्य करना चाहता है, तो आप उसको क्या शिक्षा देंगे, या क्या आप उसको बताएंगे कि जीवन में कैसा रहे ताकि वो अपना जो आत्मिक सुख होता है, सही खुशी होती है, वो पा सकता है।
उसमें ऐसा रहेगा कि देखिए मेरे हिसाब से मैं जो कर रहा हूँ मैं पूरी तरह से उसको समझाऊंगा कि ऐसे ऐसे चीजें करनी चाहिए, इसके होने से मन को शांति मिलेगी, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, न व्यवहार गलत करना चाहिए, न गलत बोलना चाहिए, न किसी का हम लेकर बैठना चाहिए। हमारे पास जो है हमारे जेब में जितना उतना हमारी कोशिश पूरी रहेगी, कम से कम उसको खर्चा करें और अपनी प्लानिंग से पूरा पूरा प्लानिंग से काम करें कि भी कैसे कैसे आगे बढ़ना है। जीवन बहुत बड़ा है, ऊपर वाले ने अपने को दिया है, उसको सही ढंग से इस्तेमाल करके काम करना चाहिए। बिल्कुल सही है। हमसे सबसे विनती है कि हर पूनम को हम गायों के लिए लापे रखते हैं। कल भी पूनम थी 31/10/2000, कल भी हमने 151 किलो लापी गायों को खिलाई है। सबसे अनुरोध करता हूँ कि हर पूनम के लिए हमको ये को सहयोग करे कि भाई इस लापी का प्रोग्राम पीढ़ी टू पीढ़ी चलते रहे, इसमें कोई रुकावट नहीं है। बिल्कुल, बल्कि हम ये जो आज का एपिसोड है ये हम कल पूनम के दिन ही बनाने वाले थे, लेकिन भाई साहब को वो गायों को लापसी बांटना था, तो वो बोले आज तो मैं दिन भर बहुत बिजी हूँ और आज हम गौ माता को लापसी बांटने वाले हैं, लापसी खिलाने वाले हैं, तो इसलिए आज हमारा प्रोग्राम नहीं हो सकेगा। तो ये सोचे कितनी बड़ी बात है। मैं चाहती थी कि इनके कार्यों के बारे में दुनिया जाने, लेकिन इन्होंने सेवा के कार्य को पहला प्रिफर किया और गौ माता की लापसी बांटने के दिन को उन्होंने पहली प्रायोरिटी दी। तो इससे बड़ी जो सेवा की भावना है, जीव दया की भावना है, ये इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो जब ये इस कार्य को इतनी मुस्तैदी के साथ में एकदम कर्म योद्धा बन के कर रहे हैं, तो हम सब लोग छोटी मोटी मदद करके इनके कार्यों को सहयोग तो दे ही सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी डिलाई ग्रुप, यंग जीव दया ग्रुप का और तखतगढ़ युवा मंच का भी, कि आप लोग जिस तरह से सेवा का कार्य करके इस पूरे विश्व में शांति और सुख फैला रहे हैं, इसी तरह आप अपने कार्य को आगे बढ़ाते जाइए। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो कल पूनम थी और भाई साहब गौ माता को लापसी खिलाने वाले थे, इनका पूरा ग्रुप जो है डिलाई रोड यंग जीव दया ग्रुप, पूरा ग्रुप का ग्रुप गया था गौ माता को लापसी खिलाने के लिए। तो आइए एक छोटी सी फिल्म हम देख लेते हैं और उसके बाद भाई साहब से थोड़ी चर्चा करते हैं। तो ये देखिए आप फिल्म। टेंशन मत प्लास्टिक खाई देखो बारो कोई राखवा वालों थी। हाँ तो बताइए भाई साहब, आपने किस तरह से ये कल कार्य किया? ये बहुत ताजा ताजा आपका सेवा का कार्य, जीव दया का कार्य है, थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा करिए। कल 31/10/2020 शनिवार, कल का समय महत्व ऐसा था, कल संकेश्वर दादा का हमारा दिन भी रहता है। हाँ जी। श्री संकेश्वर दादा पूनम जी, काफी लोग पूनम भरने के लिए संकेश्वर जाते हैं, कोई नाकोड़ा ही जाते हैं। मैंने सोचा कि मैं पूनम भरता नहीं हूँ और मुझे पूनम की व्यवस्था होती नहीं है कि जाना आना
और पूनम को नहीं होता, लेकिन जहां से मैंने ये गौ माता की सेवा चालू की दी है, सोचा हूँ कि हर पूनम को लापी खिलाऊंगा और काफी पूनम से लापी का कार्यक्रम आगे चल रहा है। कल भी हमने भाई उत्सव से इनको लापी खिलाई और जो लापी हम खिलाते हैं खाली गायों की आपको मुस्कान देखनी, आपको लगेगा कि नहीं अच्छे बहुत मजा आ रहा है लापी खिलाने। जैसे हम लोग सीधा खाते हैं तो कितनी खुशी होती है, खाते हाँ कितनी खुशी होती है, मुझे वैसी खुशी उस गायों में होती है। आप देखिए जब थोड़ा भी कम पड़ जाता है ना गाय मेरे को पीछे आती है और बोलती है, ऐसा मेरे को ऐसा महसूस होता है कि हमने जहाँ डाला ना वहाँ पूरा खत्म हुआ, ऐसा नहीं कि कुछ रह गया हो। अच्छा। तो कल हमने लगभग 142-143 गायों को हमने खिलाई, 142 ये कहाँ जाके किया आपने? हाँ ये कल हमने भोईवाड़ा किया और एलिमेंट्स हॉस्पिटल किया, पॉटनगिरी किया और भाई कला किया, कल 4 जगह जाके हमने वितरण किया है। अरे वाह, तो काफी उत्सव है और हर पूनम के लिए हमारा ये आगे चलता रहे ये कारवा और आप लोगों का सब लोगों का सहयोग रहे इसके। बहुत अच्छा। तो जिन भी भाइयों को अगर संखेश्वर जाना नहीं जमा हो तो वो आ सकता है, भाई साहब के साथ जुड़ सकता है और यहीं पर उसका लाभ ले सकता है वो। एकदम एकदम है ना, एकदम ये सबको देना। यस यस, धन्यवाद धन्यवाद। और अगर मैं कहूँ कि डिलाई ग्रुप जो है, डिलाई रोड एम जी दया जैन ग्रुप और तखतगढ़ युवा मंच, अगर अपने कार्यों के लिए, अपने सेवा भाव के लिए या अपने जो इतना सुंदर आपने एक, मेरे ख्याल से दोनों का मिला जुला रूप आपने एसआरके ग्रुप बनाया है क्या? नहीं, एसआर के फंड फाउंडेशन अलग है, वो अलग है। अच्छा हाँ, एसआरके फाउंडेशन जहाँ ऐसा हमारा कैसा है मैम, दोनों ग्रुप के पास अभी रजिस्ट्रेशन नहीं था। अच्छा, एसआरके फाउंडेशन एक ग्रुप है, उसके अंदर में मैं डायरेक्टर हूँ भी। ओके, एसआरके फाउंडेशन ग्रुप में यहाँ से पूरा अभी उनका भी वर्क होमवर्क चालू है उनका भी, उनके अंदर भी यही सेवा भाव का काम चल रहा है, गायों को देना और उनके साथ उनके बड़े इस प्लानिंग से काम चालू है। छोटे छोटे गाँव में जाके उनका कैसा करना है वो पूरी प्लानिंग उसमें चालू है एसआरके फाउंडेशन। अच्छा, तो ये जो तखतगढ़ ग्रुप है और आपका जो डिलाई ग्रुप है, अगर मैं कहूँ हाँ डिलाई रोड एम जी दया जैन ग्रुप, तो अगर आपको मैं कहूँ कि कोई को अगर आपको धन्यवाद देना है अपने कार्यों के लिए तो आप किन किन लोगों का थैंक्स बोलना चाहेंगे? यानी आपको आज मौका मिला है कि आप अपने सभी सहयोगी का या जिनका जिनका भी आप धन्यवाद करना चाहें, आज इस मंच के जरिए आप बहुत अच्छे से अपना मैसेज उन तक पहुंचा सकते हैं। मैं उन सबका सबको धन्यवाद करूंगा जिन्होंने उनको पूरा तन मन और धन से सहयोग दिया, उनके लिए बहुत बहुत अनुमोदना और आगे भी है हमको सहयोग देते रहेंगे, भाग्यशाली को बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ, तो आइए, आपने देखा कि छोटी सी चिंगारी किस तरह से ज्वाला बन जाती है और किस तरह से पूरी दुनिया में रोशनी फैलाती है। तो ये जो आप सेवा का कार्य कर रहे हैं, तखतगढ़ युवा मंच और डिलाई रोड एम जी दया जैन ग्रुप, इनके कार्यों को आप देखिए, इनके कार्यों की आप अनुमोदना करिए और आपको जिस तरह से भी हो सकता है आप इनके साथ जुड़ सकते हैं, इनके सेवा भाव में आप इनके साथ में आ करके मदद कर सकते हैं। और अगर कोई भी चीज का आपको डाउट है या किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो हम श्रेणिक भाई साहब का और भी बाकी मोबाइल नंबर इसमें डालेंगे, आप उनसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और अपनी सहायता इन तक पहुंचा सकते हैं। तो आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा श्रेणिक भाई साहब, और इसी तरह हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप ये अच्छे सेवा भाव के कार्य करते रहे और जो हमारे कम भाग्यशाली लोग हैं जो इस दुनिया में है उनके प्रति आपका जो दया भाव है या जो सहयोग की भावना है वो इसी तरह बनी रहे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय 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 जय। तो देखा आपने आज का हमारा ये एपिसोड, भाई श्रेणी जी हमारे साथ आज जुड़े थे, सुरेश पटवारी जी भी आज हमारे साथ जुड़ने वाले थे पर किसी कारण से आ नहीं सके। मैं सभी अपने भाइयों का जो इस इतने बड़े सेवा कार्य में जुटे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी इस कार्य को देखें और जुड़े
और आज का ये एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो करना ना भूलें। और साथ ही मेरा टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी भी दिया है। आपको यदि किसी प्रकार की क्वेरीज है या आपके आसपास कोई इसी तरह की ग्रेट पर्सनालिटी, श्रेणी भाई साहब के जैसी ग्रेट पर्सनालिटी आपके आसपास है और आप चाहते हैं कि इस मंच के द्वारा मैं उसे पूरी दुनिया के सामने लाऊं, तो कृपया मुझे फोन करें, सूचित करें। हम कोशिश करेंगे कि इस मंच के द्वारा उन्हें आपसे परिचित कराएं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेणी भाई साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाल करके हमारे साथ बिताया। थैंक यू। जय जय जय।